Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दहिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो जैसा कि हम स्टडी कर रहे थे ब्रायोफाइटा के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो ब्रायोफाइटा की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे एंड उसका क्लासिफिकेशन वगैरह हम देख चुके हैं। ब्रायोफाइटा का जो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो मेरे जो प्रीवियस वीडियो है वो उसमें देख कर आप जो है जानकारी ले सकते हैं। तो आज जो हम मेम्बर्स स्टडी करेंगे तो इसकी 3 क्लासेज है, हेपेटिकोप्सिडा एंड एंथोसिरोटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हेपेटिकोप्सिडा के अंदर 2 मेंबर है, रिक्सी एंड मार्केंसिया, उनके बारे में स्टडी करनी होती है। बाकी जो है मेंबर्स वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है हमारा रिक्सिया रहेगा, तो ये हेपेटिकोप्सिडा का मेंबर है। तो इसका क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो जो क्लासिफिकेशन है इसका, तो इसमें जो डिवीजन होगा इसका डिवीजन हो जाएगा इसका ब्रायोफाइटा। ये इसके क्लासिफिकेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन इसकी जो क्लास है वो हो जाएगी हेपेटिकोप्सिडा। इसका जो ऑर्डर जो होगा वो होगा मार्केंटियल्स, एंड इसकी फैमिली जो होगी वो है रिक्सिएसी। रिक्सिएसी एंड इसका जो जीनस है, जीनस इसका होगा रिक्सिया। तो जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। अब जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखना चाहें, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब वितरण वर्ल्ड के अंदर, ये लगभग सभी जगह आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है, कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है। साथ ही साथ जो है इसकी वर्ल्ड के अंदर लगभग 200 स्पीसीज है, जिनमें से लगभग 33 स्पीसीज जो है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। इसका ये जो वेराइटीज है, अगर इस रिक्सिया देखी जाए तो रिक्सिया जो है वो आपको जैसे ड्राई और वेट जो एरिया होता है, ड्राई एंड वेट जो एरिया दोनों जगह आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें से कुछ स्पीसीज आप याद रख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर जो राजस्थान में आपको देखने को भी मिल जाएगी। बट ये जो है दोनों की दोनों क्या है, एक्वेटिक है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो स्पेशली राजस्थान की हैं और एक्वेटिक हैं। कौन सी है, रिक्सिया फ्लूटेंस एंड रिक्सिया आबुएंसिस, ये दोनों जो है वो आप याद रख सकते हो। ये दोनों ही एक्वेटिक है और राजस्थान में मिलती है, तो इस तरीके से इन्हें आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो इसका क्लासिफिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड इसका जो हैबिटाट कैसा है कि ड्राई और वेट एरिया में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको जनरली जो है वो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ अपना ये रहेगा कि जो हेपेटिकोप्सिडा है, ये आपको नज़र आ रहा है शब्द, तो यहाँ पर जो हेपेटी जो टर्म आया है हेपेटिकोप्सिडा क्लास का, इसके मेंबर्स को लीवरवॉर्ट कहा जाता है। लीवरवॉर्ट क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हिपेटिको जो वर्ड आया है वो आया है हिपेटिका से। हिपेटिका ये लैटिन वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है लीवर, ठीक है। लीवर मीनिंग होता है, लीवर मीनिंग, ये टर्म इसलिए यूज की गई है हिपेटिका, क्योंकि जो मिडाइवल पीरियड था उस दौरान क्या करते थे, मिडाइवल पीरियड में जो लीवर डिसऑर्डर होता था, लीवर डिसऑर्डर मतलब लीवर से जुड़ी हुई जो बीमारियां थी उनके इलाज के लिए जो है इन हेपेटिका के जो का यूज किया जाता था। तो ये जो हेपेटिकोप्सिडा जैसे रिक्सिया मार्केंसिया ये जो मेंबर थे इनका जो यूज है वो लीवर डिसऑर्डर में किया जाता था, इसीलिए जो है इसे हेपेटिकोप्सिडा क्लास नाम रखा गया और इनके मेंबर को लीवर वर्ट कहा गया, ठीक है। तो कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि हेपेटिकोप्सिडा मेंबर को लीवर वर्ट क्यों कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाता है कि लीवर डिसऑर्डर के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो यह है एक क्वेश्चन जो है राजस्थान एक्विटिक वगैरह, ये फ्लूटेंस वगैरह एबुएंसिस है, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। रिक्सिया जो है
जैसे कि हमने मैंने आपको बताया था कि जब ब्रायोफाइटा हम स्टडी कर रहे थे, तो ब्रायोफाइटा के जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एंड हायर मेंबर के अंदर गेमिटोफिटिक जो पार्ट होगा वो अलग अलग होगा। ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है उसमें दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट जो है मेनली गेमिटोफाइट है, क्योंकि इनका जो गेमिटोफाइट होता है वो लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है। स्पोरोफाइट जो होता है वो कम टाइम के लिए होता है। गेमिटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। ओके, इसके बाद में आपको याद ये रखना है कि जो गेमिटोफाइट होता है ब्रायोफाइटा के अंदर, जो गेमिटोफाइट है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है थैलॉइड, एक होता है लीफी। तो जो लोअर मेंबर है ब्रायोफाइटा के, जैसे कि हिपेटिकोप्सिडा है एंड एंथोसिरोप्टोप्सिडा है, इन दोनों के मेंबर में जो जो गेमिटोफाइट मिलेगा वो मिलेगा थैलॉइड, ठीक है। तो और वहीं जो ब्रायोप्सिडा का जो मेंबर होंगे उनमें जो गेमिटोफाइट मिलेगा वो बनेगा लीफी। इसे समझने के लिए आप जो मेरा वीडियो है ब्रायोफाइटा पे जो मैंने बनाया है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हम रिक्सिया के स्टडी करते हैं, तो रिक्सिया का हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इसका गेमिटोफिटिक फेज, मीनिंग इसका जो गेमिटोफाइट होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले ये जो है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और ये होता कैसा है तो उसके लिए हमें देखना होगा कि इसका जो गेमिटोफाइट होता है वो थैलॉइड होता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। इसकी दो सरफेस होती है, डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। तो एक तो बना लेते हैं इसकी डोर्सल सरफेस और एक बना लेते हैं इसकी वेंट्रल सरफेस। डोर्सल एंड वेंट्रल, ऊपर वाली तो डोर्सल हो जाएगी और जो नीचे वाली है वो वेंट्रल हो जाएगी। इसका जो फ्लूटेंस का अगर हम देखना चाहें तो फोटो आप देख सकते हो कि किस तरह से होता है। जो इसका जो गेमिटोफाइट होता है वो एकदम सतह पर इस तरीके से, मतलब सतह के साथ में, जिसे हम बोलते हैं कि ये जो है प्रोस्टेट वर्दी करता है, ठीक है। तो ये जो इसका जो थैलस होता है वो कैसा होता है, प्रोस्टेट होता है, ठीक है। ग्रीन होगा, ग्रीन स्ट्रक्चर होगी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और डोर्सी वेंट्रल होगा, डोर्सी वेंट्रल होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपको डोर्सी वेंट्रल मिल जाएगा और इस तरीके से प्रोस्टेट है, ग्रीन है एंड डोर्सी वेंट्रल जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है, और साथ ही साथ जो है वो इसमें डाइकोटोमस जो ब्रांचिंग है वो आपको देखने को मिलेगी, डाइकोटोमस ब्रांचिंग, मीनिंग इसकी जो इसकी ब्रांच होती है वो इस तरीके से दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये टर्म्स हैं इनका क्या मीनिंग है। तो इसकी एक तो सरफेस है डोर्सल, एक है वेंट्रल सरफेस। डोर्सल ऊपर वाली है, वेंट्रल नीचे वाली है। तो डोर्सल सरफेस पे जो है आपको इस तरीके से मिडरिब मिलेगी, ठीक है। ये जो है वो क्या है, मिडरिब है, ठीक है। और इस मिडरिब का जो एंड है, जैसे कि मिडरिब यहाँ ऊपर की तरफ ख़त्म होती है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, एपिकल नोच, एपिकल नोच, ठीक है। इसी एपिकल नोच के अंदर क्या होता है, ग्रोइंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये एपिकल नोच है और एपिकल नोच के अंदर ही क्या होगा, ग्रोइंग पॉइंट होगा, ठीक है। मीनिंग इसका जो थैलस होता है वो यही इसी की तरफ से क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो ग्रोइंग पॉइंट एपिकल नोच के अंदर ही क्या होता है, ग्रोइंग पॉइंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो मिडरिब है डोर्सल सरफेस पे, उसकी मिडरिब में आपको जो इसके सेक्स ऑर्गन है, एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये दोनों ही जो है वो आपको इसी के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा वो जाएगा एंथेरिडियम, एंथेरिडियम एंड इस तरीके से दिखा देते हैं इसमें, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्किगोनियम, ठीक है। तो मेल और ये वाला जो है एंथेरिडियम क्या हो गया, मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, और ये जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है वो आपको डोर्सल सरफेस पे देखने को मिलेंगे मिडरिप पर, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जो इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, मीनिंग जो एपिडर्मिस होगी उसके बीच में जो है वो धंसे हुए आपको देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ रिक्सिया, ठीक है। तो ये तो होता है डोर्सल सरफेस। अगर आप इसकी वेंट्रल सरफेस देखना चाहें तो वेंट्रल सरफेस में भी क्या होगा, आपको इस तरीके से जो वेंट्रल सरफेस पे जो है आपको मिलेंगे राइजोइड्स एंड स्केल्स, ठीक है। तो वो किस तरीके से होते हैं, जो स्केल्स का अरेंजमेंट होता है वो पेरिफेरी पर आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से होते हैं स्केल्स, ठीक है।
और वहीं जो है यहाँ पर आपको राइजोइड जो है वो भी अरेंज मिलेंगे, ठीक है। तो राइजोइड जो है वो भी आपको वेंट्रल सरफेस पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। राइजोइड्स तो दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वेंट्रल सरफेस पे, एक तो है स्केल्स एंड राइजोइड्स, ठीक है। अब स्केल्स एंड राइजोइड्स हम देख लेते हैं, स्केल्स कैसे होते हैं। इसमें जो इसके स्केल्स होंगे वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। स्केल्स जो है वो मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। एंड जो स्ट्रक्चर जो बनेगी इनकी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, सिंपल होंगे इसमें सिर्फ, और स्केल्स जो है वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर एंड सिंपल स्केल जो है वो आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ रिक्सिया, ठीक है। और ये जो मल्टी सेलुलर है तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, तो मल्टी सेलुलर स्केल होगा, ठीक है, एंड सिंपल होगा एंड सिंगल लेयर्ड होगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा थिक नहीं होता, सिंगल लेयर्ड होगा, मल्टी सेलुलर सिंपल एंड सिंगल लेयर्ड, ठीक है। ये तो है स्केल। और अब हम बात करें राइजोइड्स की, इसमें तो राइजोइड्स जो हैं वो कैसे होंगे, राइजोइड्स यहाँ दो तरह के होंगे, टू टाइप्स के राइजोइड्स होंगे इन केस ऑफ रिक्सिया, एक तो है सिंपल, एक है ट्यूबरक्यूलेटेड, ठीक है। तो सिंपल जो होते हैं सरल प्रकार के होते हैं, और सिंपल जो स्केल होते हैं वो जो सॉरी राइजोइड जो होंगे वो कुछ इस तरह के जो है वो आपको ही मिलेंगे, ठीक है। तो उनकी जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, स्मूथ होगी। तो सिंपल के लिए हम स्मूथ वॉल्ड भी यूज कर सकते हैं, स्मूथ वॉल्ड मतलब चिकनी सतह वाले राइजोइड्स, चिकनी सतह वाले राइजोइड्स की देखिए आप अंदर वाली जो वॉल है वो एकदम कैसी है, स्मूथ है। तो ये तो है स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स। एंड जो ट्यूबरक्यूलेटेड होते हैं, ट्यूबरक्यूलेटेड में क्या होते हैं, आउटर तो जो है वो इसी तरह की होगी, बट जो इनर वॉल है वो उसमें आपको कुछ इस तरीके से फोल्डिंग जो है वो देखने को मिलेगी, ये वाला। तो ये है ट्यूबरक्यूलेटेड और ये है स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स, तो दोनों ही मिलेंगे। साथ ही साथ दोनों में खास पॉइंट क्या है कि ये दोनों ही क्या है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड, एकोशिकीय अशाखित, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये तो है इसका सिंपल गैमेटोफिटिक, जो रिक्सिया का सिंपल गैमेटोफिटिक फेज होती है वो हैप्लॉइड होती है, मेन रिक्सिया की जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक ही होती है। इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो प्रोस्टेट होता है, मतलब सतह के साथ में ये ग्रोथ करता है, ठीक है। एंड ग्रीन होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर का होगा, डोर्सी वेंट्रल होगा, दो सरफेस होगी, डोर्सल एंड वेंट्रल, डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो कि टिप पे क्या होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये है, अब इसके अगर डायग्राम देखोगे तो आप डोर्सल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, तो डोर्सल पे क्या होगा, मिडरिप प्रेजेंट है, और मिडरिप पे क्या होंगे, जैसे कि मिडरिप जहाँ एंड होती है वहाँ पर क्या होता है, एक नोच होती है जैसे एपिकल नोच, शीर्षस्थ खांच बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है, वृद्धि बिंदु होता है, ग्रोथ ग्रोइंग पॉइंट होता है। इन्हीं मिडरिप पर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहा जाता है, ठीक है, और वहीं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे आर्किगोनियम कहा जाता है, ये दोनों इस पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। एंड मिडरिप वाली कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, तो मिडरिप पे ये प्रेजेंट है, तो ये तो डोर्सल सरफेस है। साथ ही साथ वेंट्रल सरफेस है, ठीक है, तो वेंट्रल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, स्केल्स एंड राइजोइड्स। वेंट्रल जो होती है वो नीचे वाली सतह होगी, इस पे स्केल्स प्रेजेंट होंगे पेरीफेरी पर, एंड साथ ही साथ राइजोइड्स भी प्रेजेंट होंगे। स्केल्स जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है, सिंपल है एंड सिंगल लेयर्ड है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। वहीं जो राइजोइड्स है वो दो तरह के हैं, सिंपल एंड स्मूथ वॉल्ड है एंड ट्यूबरक्यूलेटेड है, चिकनी सतह वाले हैं और नलिकानुमा है। चिकनी सतह वाले की वॉल जो होगी अंदर वाली कैसी होगी, सीधी होगी, एकदम स्मूथ होगी, ठीक है। वहीं ट्यूबरक्यूलेटेड में क्या होंगे, इनफोल्डिंग बनी होगी अंदर की तरफ, ठीक है। जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं एंड अनब्रांच्ड होते हैं। तो ये है इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अगर आप इसे काउंट करो तो गैमेटोफिटिक की कैसी है ये, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, गैमेटोफाइट जो होता है वो बाहर से कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसका, ठीक है।
साथ ही साथ आपने ये देखा कि इसमें आर्किगोनियम भी है और एंथ्रीडियम भी एक ही पर प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो गया? मोनेसियस। ठीक है, तो ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैं रिक्सिया के वो कैसे हैं? मोनेसियस होंगे। ठीक है, हालांकि इसके कुछ मेंबर्स हैं जो कि क्या होते हैं, डायोसियस भी होते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पर देखने को मिलेगा, बट ज्यादातर जो होते हैं मोनोसियस होते हैं, मीनिंग एक ही थैलस पर आपको मेल एंड सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों जो हैं वो आपको एक ही जगह देखने को मिलेंगे, एक ही थैलस पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें इंटरनल गैमेटोफाइट है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फोटोसिंथेटिक रीजन एंड स्टोरेज रीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र और संग्रहण क्षेत्र। ठीक है, फोटोसिंथेटिक रीजन एंड स्टोरेज रीजन। तो ये देखिए आप रिक्सिया का जो थैलस है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये जो है एक्सटर्नल डायग्राम है एंड ये जो है सेलुलर डायग्राम है अपना। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें फोटोसिंथेटिक रीजन है एंड स्टोरेज रीजन, ये ऊपर वाला जो है फोटोसिंथेटिक रीजन है और नीचे जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो है अपनी स्टोरेज रीजन। ठीक है, तो यहाँ फोटोसिंथेटिक रीजन ये वाला जो पार्ट है फोटोसिंथेटिक रीजन है और जो नीचे वाला जो पार्ट है वो स्टोरेज रीजन है। ठीक है, तो दो रीजन है इसमें, फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज रीजन। अब हम इसे अलग अलग देख लेते हैं। ये देखिए आप उसमें आपको सबसे ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस की सेल्स नजर आ रही है। ठीक है, तो ये जो है डोर्सल सरफेस की तरफ आपको देखने को मिलता है, ये वेंट्रल सरफेस की तरफ देखने को मिलता है। तो डोर्सल सरफेस पे क्या होगा, एपिडर्मिस होगी ऊपर की तरफ, तो ये एपिडर्मल सेल्स हैं। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स में के केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो जो है उसके अंदर आपको ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो अब्सेंट मिलेगा, तो इस वजह से क्या है उसमें जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये जो है वो नॉन क्लोरोफिलस होगा, मतलब इसमें आपको नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर होगी ये वाली ऊपर वाली। ठीक है, तो इसमें जो है इस तरीके से, जैसे कि इसमें आप फोटोसिंथेटिक रीजन है तो इसमें आपको क्लोरोफिल प्रेजेंट मिलेगा, बट इसमें क्लोरोफिल जो है वो आपको अब्सेंट मिलेगा। ठीक है, अपर एपिडर्मिस में, तो ये अपर एपिडर्मिस की एक तो बात जो है कि फोटोसिंथेटिक रीजन है उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, अपर एपिडर्मिस होती है, अपर एपिडर्मिस, और ये क्या होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है, डिसकंटिन्यूस, आप देख रहे हैं इसके बीच में गैप है और डिसकंटिन्यूस होते हैं, इस वजह से क्या होते हैं इसके बीच में आपको एयर पोर देखने को मिलेंगे, ये जो स्पेस बन रहा है वो क्या बन रहा है, एयर पोर। तो एक तरीके से जो है इन फिलामेंट जो फिलामेंट होंगे उसके बीच में आपको गैप देखने को मिलेगा। तो एपिडर्मिस जो है वो कैसी है, डिसकंटिन्यूस है, तो ये एपिडर्मिस के बारे में। इसके बाद में हम जो देख रहे हैं फिलामेंट आपको नजर आ रहे हैं, तो ये जो फिलामेंट है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है और इनके अंदर आपको पिगमेंट नजर आएगा, तो इस वजह से क्या करते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो अपर एपिडर्मिस के बाद में फोटोसिंथेटिक रीजन जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, फिलामेंट से है, फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट जो होते हैं वो अनब्रांच्ड हैं, अशाखित मिलेंगे आपको। ठीक है, साथ ही साथ इनके बीच में गैप होता है, तो इसके बीच में आपको जो है एयर पोर मिलेंगे और एयर पोर जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, एयर कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पर एयर कैनाल बनी हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फोटोसिंथेटिक रीजन होगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए नीचे की तरफ जो है वो स्टोरेज रीजन बना हुआ है। हाँ, एक बात और कि यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट होता है फिलामेंट के अंदर वो कैसा होता है, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट होता है, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिस्कॉइड शेप का है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ याद रखने। इसके बाद में जो अपना स्टोरेज रीजन है जिसमें संग्रहण होगा, संग्रहण जो क्षेत्र है वो किसका बना हुआ है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का, पेरेन्काइमेटस टिश्यू हो सकते हैं या पेरेन्काइमा सेल्स जो होती है उसका बना होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स होगी, बट ये क्या होगी, नॉन डिफ्रेंशिएटेड होगी, मतलब उसके अंदर कोई अलग जो चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जो है इसमें संग्रहण किसका होगा, स्टार्च का। ठीक है, तो स्टोरेज रीजन जो है वो कैसा है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ है, स्टोरेज किसका है, स्टार्च का है, साथ ही साथ
ये क्या है, कलरलेस है, ये जो एरिया होगा वो कलरलेस होगा क्योंकि इसके अंदर आपको पिगमेंट्स जो है वो अब्सेंट मिलेंगे, ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन जो है वो डोर्सल सरफेस की तरफ प्रेजेंट है, जिसमें क्या है एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, और इसके नीचे जो होंगे फिलामेंट फॉर्म में, इस तरीके से फोटोसिंथेटिक रीजन प्रेजेंट होगा। उसके नीचे की तरफ जो है वो स्टोरेज रीजन है, जिसमें स्टार्च का स्टोरेज होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। स्टोरेज रीजन जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस के साथ में ख़त्म होता है, जिससे इसके जो राइजोइड्स का ओरिजिन आपको दिखाई देगी, वेंट्रल सरफेस पर राइजोइड्स होते हैं, साथ ही साथ स्केल्स भी आपको बने हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें रिप्रोडक्शन, ओके।